नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है, इसके दो वर्जन होते हैं, एक फास्ट वर्जन और एक स्लो वर्जन। आप अपने क्लासरूम में दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और दोनों के अपने अपने फायदे हैं। इसमें जो लॉन्गर वर्जन या जो स्लो वर्जन है, वो तब यूज मैं करता हूँ जब ज्यादा बच्चे होते हैं, ज्यादा टीचर्स होते हैं वर्कशॉप के अंदर, लगभग 80-100, और एक एक को मैं ये बीकर और इसमें ये केमिकल दे देता हूँ और वो इसमें या तो कोई विश बोलते हैं या कोई मंत्र बोलते हैं और वो पास होता चला जाता है। तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है जब टाइम का कंस्ट्रेंट होता है कि जल्दी खत्म करना है या बच्चे कम है, तो क्या करते हैं कि ये स्ट्रॉ दे देते हैं, दो तीन बच्चों को इनवाइट कर लेते हैं, वो आते हैं और इसमें फूंकते हैं स्ट्रॉ की मदद से, और उसमें रेस लगता है दो बच्चों के बीच कि कौन पहले डीकलराइज कर लेगा। चलिए फूंक के देखते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब बच्चों के साथ करिए तो उनको ये इंस्ट्रक्शन जरूर दीजिए कि इसको अंदर की तरफ नहीं खींचना है इस लिक्विड को। तो जैसा कि आपने कल भी देखा था कि NaOH में फिनोफ्थलीन मिलाते हैं तो कलर पिंक हो जाता है, तो फिर ये अभी कलरलेस या लगभग लगभग काफी हद तक इसका पिंकिश कलर चला गया है। ऐसा क्यों हुआ है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कल भी बताया था कि अगर बेस होगा, क्षार होगा, तो ये पिंक कलर देगा, और एसिडिक होगा तो ये कुछ नहीं देगा, कलरलेस हो जाएगा। अभी जैसे ही मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालना शुरू किया, क्या होने लगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाटर के साथ कंबाइन होता है, CO2 प्लस H2O, और हमें मिलता है H2CO3। वो H2CO3 टूटता है H+ और HCO3-1 में, और ये जो H+ है ये एसिड की तरह काम करता है, मतलब H+ आयंस का मिलना मतलब है कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर है। दूसरी तरफ NaOH को भी ये न्यूट्रलाइज करता रहता है CO2 Na2CO3 बना के, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि इसका जो बेसिक कंटेंट है वो कम होता चला जाता है और एसिडिक कंटेंट बढ़ता चला जाता है और ये पिंक से कलरलेस हो जाता है। तो है ना केमिस्ट्री मजेदार, और हमारी सांसों में भी केमिस्ट्री है जो इसको इसमें बदल देती है।